नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी हेल्थ एंड इनर वैल्यूज एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज नर्वस सिस्टम पर चर्चा करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे सभी व्यवहार और विचार प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे इमोशनल बिहेवियर, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है। इसके दो डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन। ये दोनों डिवीजन एक दूसरे से बहुत अलग हैं, पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार है। फाइट यानी कि गुस्सा और फ्लाइट यानी कि डर। यह एक व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति से संघर्ष करने में मदद करते हैं, इसीलिए इसे सिंपैथेटिक कहते हैं, यानी कि जो भावनाओं के साथ सहानुभूति रखता हो। तनाव कई कारणों से हो सकता है, निराशा, विरोध, बाहरी दबाव इत्यादि। तनाव के समय सिंपैथेटिक डिवीजन बहुत ही सक्रिय हो जाता है और शरीर के बचाव के लिए तेजी से इम्पल्सेस भेजना शुरू कर देता है। व्यक्ति को चाहे लड़कर चाहे भागकर तनाव से अपनी जान बचानी पड़ती है। यह एड्रेनल ग्लैंड को भी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, जो कि तनाव से निपटने के लिए हार्ट रेट, ब्लड शुगर लेवल और खून का बहाव बढ़ा देते हैं। इस तरह से शरीर खतरे से निपटने में अटक जाता है और कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां आने लगती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, कैंसर और स्किन डिसऑर्डर इत्यादि जैसी बीमारियां आने लगती हैं। लंबे समय के तनाव के कारण शरीर में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स की कमी हो जाती है और कई और बीमारियां भी आने लगती हैं। जब तनाव खत्म हो जाता है, तब सिंपैथेटिक डिवीजन की गतिविधियों की जगह पैरासिंपैथेटिक डिवीजन ले लेता है। शरीर होमियोस्टेसिस यानी कि स्थिरता और संतुलन में आ जाता है। शरीर की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से काम करने लगती हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों का खिंचाव, श्वास सभी सामान्य रूप से काम करने लगते हैं। पैरासिंपैथेटिक डिवीजन मरम्मत और सिंपैथेटिक डिवीजन द्वारा खर्च हुई शक्ति को भी बहाल करता है। डर, एंजाइटी और भावनात्मक तनावपूर्ण स्थिति को रिलैक्सेशन से दूर किया जा सकता है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा जैसी कई रिलैक्सेशन की तकनीकें भी बहुत फायदेमंद होती हैं। ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है, हम कह सकते हैं कि वह आत्मा का स्थान है और ब्रेन लगातार न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के नए संबंध बनाता रहता है, जिन्हें हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं। बार बार वही न्यूरल पाथवेज का इस्तेमाल करने से ये संबंध और भी गहरे हो जाते हैं। इसीलिए जितना अधिक हम प्रेम, शांति, सुख और शक्ति जैसे अपने आध्यात्मिक गुणों का चिंतन और अनुभव करते हैं, उतना अधिक यह न्यूरल पाथवेज गहरे होते जाते हैं और हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है,
जिससे कि शरीर की सभी प्रक्रियाएं और गतिविधियां सामान्य और संतुलित रूप से काम करने लगती हैं। धन्यवाद।